हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर में अपना थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम अब तक जो इससे पहले वाली वीडियो में अपने किया था वो था मैक्सवेल इक्वेशन, और आज अपन करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन के एप्लीकेशन। ठीक बात ना, या फिर आप लिखोगे मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट अपना क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस या क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण। अच्छा, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो देखो, मैक्सवेल इक्वेशन याद होना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और मैक्सवेल इक्वेशन याद करने का एक तरीका बताया था, याद हो तो ऐसे लिखा था अपने TVS लिखा था, और फिर लिखा था TPS, ये यहाँ पर भी आएगा TVS और TPS, और फिर लिखा था इनका उल्टा करके PPVVS TS और T, इसे लिखा था। अब जो शुरुआत करता हूँ मैक्सवेल के दूसरे समीकरण से, मैक्सवेल के दूसरे समीकरण से। आपसे पूछा जाए कि दूसरा समीकरण कौन सा है, तो दूसरा समीकरण यहाँ से जाएगा, इसका जोड़ा किससे करेंगे, इससे करेंगे, तो ये लिखा जाएगा डेल एस अपॉन डेल वी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। कांस्टेंट किसको क्या करना है वो ध्यान देने वाला है, इसमें तो टी कांस्टेंट है, और इसमें कौन कांस्टेंट आ जाएगा, वी कांस्टेंट आ जाएगा, मेरे हिसाब से ये याद है सबके। फिर बात पे थी पी और टी जब साथ आते हैं तो पॉजिटिव, वैसे फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन वो नेगेटिव में है, और सेकंड और थर्ड वो किस में है, पॉजिटिव के अंदर हैं। तो कैपिटल टी से गुणा करने पर तो ये आपका आ गया टी डेल एस अपॉन डेल वी, और कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू इस साइड में टी का गुणा किया डेल पी अपॉन डेल टी, और कॉन्स्टेंट कौन है, वी है, ये हो गया। या मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं टी डेल एस अपॉन डेल वी, और कॉन्स्टेंट कौन है, टी है, दैट इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी, ये पी स्मॉल ही लिखा था, और यहाँ पर क्या लिखा, वी लिखा। अपन लोग जानते हैं ये क्वेश्चन नंबर एक दे दिया और ये क्वेश्चन नंबर दो दे दिया, क्योंकि अपन लोग जानते हैं टी डी एस जो है वो बराबर होगा किसके, डी क्यू के बराबर होगा, आता है समीकरण दो से, आता है समीकरण दो से अपन लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ से देखो डेल टी डेल एस इक्वल टू आ जाएगा डेल क्यू, और डेल वी की जगह पर डेल वी, और कांस्टेंट कौन है, वो टी है ही है, कांस्टेंट कौन है, टी, और फिर इस साइड में आ गया आपका टी डेल पी अपॉन डेल टी, और कांस्टेंट कौन है, वी है, ये क्वेश्चन नंबर तीन दे दी। अब इसको समझेंगे डेल क्यू अपॉन डेल वी, इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार करते हैं। देखो ये लिखा है डेल क्यू अपॉन डेल वी और टी, यानी नियत ताप पर आपने ऊष्मा या तो दी है या फिर ऊष्मा निकली है, निष्कासित हुई है। अगर आप नियत ताप पर ऊष्मा देते हो या निष्कासित होती है तो उस ऊष्मा को अपन क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो देखो, और इसमें v का भाग लगा हुआ है, यानी एकांक आयतन, क्या बोले, एकांक आयतन। तो देखो इसको मैं ऐसे आप समझने की कोशिश करना, इसको मैं लिखूंगा क्या वो बात की बात है, डेल क्यू कॉन्स्टेंट टी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गुप्त ऊष्मा, क्या है, गुप्त ऊष्मा, अगर इंग्लिश में बोलूँ तो लेटेंट हीट बोलूँगा, ठीक बात ना। अब गुप्त ऊष्मा का संकेत क्या होता, अपना एल होता है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये लिखा मैंने एल, और नीचे क्या लिखूंगा, डेल वी, तो डेल वी की जगह लिखा जाएगा डेल, ये वी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। और इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एल अपॉन वी टू माइनस वी वन,
एक बार दोबारा रिपीट कर लो, मैंने इसको गुप्त ऊष्मा क्यों लिखा, क्योंकि जब नियत ताप पर आप किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हो या ऊष्मा ग्रहण करते हो नियत ताप पर, तो वो अवस्था परिवर्तन के दौरान होता है, और अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा या फिर निकली हुई ऊष्मा को अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, और लेटेंट हीट है वो अपना नोटेशन क्या उसका, कैपिटल एल होता है। तो समीकरण तीन में रखने पर, देखो क्या आएगा, यह था अपना टी डेल पी अपॉन डेल टी, और कांस्टेंट कौन आपका वी है, और दैट इक्वल टू ये अपना क्या आ गया एल अपॉन डेल वी, एल अपॉन डेल वी, या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट वी और एल टी डेल वी, ये आपकी क्या थी, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन थी, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन थी अपनी। या सरल रूप से अगर लिखना चाहूँ तो अपने लिखा था डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू एल और टी डेल वी लिखा था, और ये क्या है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक बात ना। तो ये अपना फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, कोई ख़ास बात नहीं की, अगर आपके ये याद है और फिर बाद में आपने मैक्सवेल इक्वेशन नंबर टू आपने काम में ली है यहाँ पर। अब करते हैं एप्लीकेशन नंबर टू। देखो मैक्सवेल इक्वेशनों का उपयोग करते हुए आप किसी गैस के रुधोष्म और समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात ज्ञात कर सकते हो, समतापी और रुधोष्म प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात। तो नंबर दो है गैस के रुधोष्म यानी एडियाबेटिक व समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात, ठीक बात है ना। ये एडियाबेटिक और ये क्या है आइसोथर्मल है, ठीक है। तो इसका देखो आंसर किस प्रकार से अपन क्या करेंगे, आंसर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एडियाबेटिक क्या है। एडियाबेटिक के अंदर ऊष्मा क्या होती है आपकी नियत होती है, या डी क्यू इक्वल टू क्या होता है जीरो। अगर डी क्यू जीरो है तो आप क्या लिख सकते हो डी एस इक्वल टू जीरो, और डी एस जीरो इसका मतलब एस आपका क्या हो गया नियत हो गया। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर निकाय की एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी है वो क्या रहती है नियत रहती है। समतापी के अंदर अपन जानते हैं कि क्या होता है टी आपका क्या होता है नियत होता है। इसके बाद में प्रत्यास्थता गुणांक, अगला जो स्टेप आपके समझाना चाहिए क्या ना चाहिए कि प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। तो देखो इलेवन ट्वेल्थ के अंदर प्रत्यास्थता गुणांक आपने एक नाम सुना होगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक नाम सुना होगा, और वो दिया गया था जैसे दाब में परिवर्तन और आयतन विकृति, ये लिखा था, ठीक बात ना। इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस तो ये कर दिया और ये कर दिया डेल पी अपॉन डेल वी। तो अगर ये बात याद है तो इससे आगे वाली स्टेप भी आप अपने आप कर लोगे। तो देखो सबसे पहले लिखता हूं रुधोष्म प्रत्यास्थता अनुपात, रुधोष्म प्रत्यास्थता गुणांक, अनुपात नहीं गुणांक। अगर उसको मैंने लिखा ई एस, एस यहां पर एंट्रोपी को शो कर रहा है, दैट इक्वल टू क्या लिखूं, वो सूत्र अगर आपके याद है तो माइनस वी, और ये लिखा जाएगा डेल पी अपॉन डेल वी, कांस्टेंट कौन होना चाहिए एस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक बात है। इसके बाद में अगला आएगा आपका समतापी प्रत्यास्थता गुणांक, और उसको लिखूंगा मैं ई टी, टी फॉर टेम्परेचर, दैट इक्वल टू किसके हो जाएगा, सेम इक्वेशन आएगी वी डेल पी अपॉन डेल वी, गलत हाँ सही है डेल पी अपॉन डेल वी, और ये कांस्टेंट कौन होगा टी, ये भी सही है। फिर बाद में जैसा कि हेडिंग बोल रही है अनुपात निकालना है आपको, रेशियो निकालना है। तो अनुपात की अगर मैं बात करता हूं तो ये आ जाएगा ई एस अपॉन ई टी,
तो देखो ई एस अपॉन ई टी करूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल और वी से वी कैंसिल, बचेगा क्या आपके डेल पी अपॉन डेल वी, तो ये लिखा मैंने डेल पी अपॉन डेल वी, ऊपर वाले में कॉन्स्टेंट है एस अपॉन, बराबर यहाँ लगा देता हूँ, नीचे लिखा डेल पी अपॉन डेल वी और नीचे वाले में कॉन्स्टेंट कौन है टी है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अगर इस इक्वेशन में डेल टी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें करूँगा डेल एस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे याद है, ऐसे कर सकते हो आप एस का नीचे और टी का ऊपर विपरीत मल्टीप्लाई किया है। तो देखो लिखने का जो तरीका है ये केवल समझने के लिए था, लिखने का जो तरीका है वो क्या होगा, वो इस प्रकार से होगा, मैंने लिखा डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट यहाँ पर कौन चल रहा है एस चल रहा है, डेल टी ऊपर कर दिया, डेल टी अपॉन डेल वी और कॉन्स्टेंट कौन चल रहा है एस चल रहा है, कौन चल रहा है एस चल रहा है, सेम ऐसे करेंगे हैं, नीचे लिखा डेल पी अपॉन डेल एस, डेल पी अपॉन डेल एस और कॉन्स्टेंट कौन है टी, और ऐसे लिखा डेल एस अपॉन डेल वी और कॉन्स्टेंट कौन है टी, थोड़ा गौर करो डेल टी से डेल टी कैंसिल, सेम स्टेप आ जाएगी। इसके बाद में अगला काम शुरू होता है अपना, अगला जो कार्य है वो शुरू होता है मैक्सवेल इक्वेशन से शुरू होगा, तो मैक्सवेल इक्वेशन पहले अपन लिखेंगे और लिखने के बाद में ही आगे काम शुरू करेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन के लिए क्या था अपना टी वी एस और टी पी एस, इसके बाद में पी पी और वी वी, नीचे वाला उल्टा लिखूंगा एस टी और एस टी, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन लिखो तो ये आ जाएगा डेल टी अपॉन डेल वी दैट इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एस, यहाँ पर एस कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर कौन होगा माइनस आएगा, यहाँ पर वी होगा। नंबर दूसरी जो इक्वेशन है वो लिखूँगा यहाँ से डेल एस अपॉन डेल वी और इस साइड में क्या आएगा डेल पी अपॉन डेल टी, अरे कैसे लिखा हो ध्यान है ना, इसको इसका जोड़ा बनाया है, यहाँ पर टी कॉन्स्टेंट और यहाँ पर कौन आ जाएगा वी कॉन्स्टेंट। तीसरी जो इक्वेशन है वो अपनी क्या बनेगी यहाँ से, इसका जोड़ा बनाऊँगा डेल टी अपॉन डेल पी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस, यहाँ पर एस कॉन्स्टेंट और यहाँ पर पी कॉन्स्टेंट। और चौथी जो इक्वेशन है वो बनेगी डेल एस अपॉन डेल एस अपॉन डेल पी दैट इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी, इधर टी कॉन्स्टेंट और इधर पी कॉन्स्टेंट। अब देखो इनको सबको चेंज करना है, तो डेल पी अपॉन डेल टी देखो इसमें कौन सा है, सीधा नहीं है किसी में, ये थोड़ा सा क्योंकि इसमें एस भी होना चाहिए, तो तीसरे इक्वेशन से यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ पर तीसरा इक्वेशन अप्लाई करूँगा मैं, तीसरे इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है डेल पी अपॉन डेल टी नहीं है, डेल टी अपॉन डेल पी है तो उल्टा करके लिख देंगे, कोई खास बात नहीं है, सेम और कोई सा नहीं मिल रहा। डेल टी अपॉन डेल वी देखो इसके अंदर कौन सा है, डेल टी अपॉन डेल वी है फर्स्ट वाले में, तो यहाँ अप्लाई करूँगा फर्स्ट वाला, ठीक बात ना, देखो सेम होना चाहिए डेल टी अपॉन डेल वी इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट एस, डेल टी अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट एस हो जाएगा आपका। सेम ऐसे ही डेल पी अपॉन डेल एस, डेल पी अपॉन डेल एस कॉन्स्टेंट टी, तो यहाँ पर चौथा अप्लाई होगा, फोर्थ इक्वेशन अप्लाई होगा, और डेल एस अपॉन डेल वी ये है डेल एस अपॉन डेल वी टी, यहाँ पर अप्लाई होगा आपका नंबर टू अप्लाई हो जाएगा। तो देखो अनुपात अपन किस प्रकार से लिखते हैं, अब ई एस अपॉन ई टी इक्वल टू नंबर थर्ड इक्वेशन से क्या लिखूं, यहाँ से लिखा जाएगा डेल एस अपॉन डेल वी, डेल एस अपॉन डेल वी और कॉन्स्टेंट कौन हो गया पी कॉन्स्टेंट हो गया। इसमें फर्स्ट वाले से क्या लिखूं, डेल पी अपॉन डेल एस और कॉन्स्टेंट कौन हो गया वी हो गया अपना, ठीक बात है। इसके बाद
यहाँ पे थर्ड वाले से डेल पी अपॉन डेल एस, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाला नहीं है भैया, तो डेल पी अपॉन डेल एस किस में है, ये फोर्थ में है, ये फोर्थ फोर्थ डेल पी अपॉन डेल एस, थोड़ी मिस्टेक कर दी, इसके साथ माइनस और है, क्या है इसके साथ माइनस और है, डेल पी अपॉन डेल एस यहाँ लिखूंगा तो डेल टी अपॉन डेल वी, डेल टी अपॉन डेल वी ये भी माइनस है, और कांस्टेंट कौन है इसमें, पी कांस्टेंट है, थोड़ा गौर करो, डेल पी अपॉन डेल एस इसको उल्टा करके लिखा मैंने, डेल टी अपॉन डेल वी, डेल टी अपॉन डेल वी, डेल एस अपॉन डेल वी इक्वेशन नंबर टू, तो ये लिखा डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी, और ये कांस्टेंट क्या हो गया, वी हो गया, ऊपर नीचे का माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पी वाले को एक साइड में करूँगा और टी वाले को एक साइड में करूँगा, तो देखो ये पी का ऊपर लेके जाता हूँ और ये नीचे, तो ये आ गया डेल एस अपॉन डेल वी, यहाँ पर कांस्टेंट कौन था, पी था, ये ऊपर जाएगा तो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी, कांस्टेंट कौन है, पी है, सेम ऐसे ये नीचे आएगा डेल एस अपॉन डेल पी, ये नीचे आएगा डेल एस अपॉन डेल पी, ये वी हो गया, और डेल पी अपॉन डेल टी, और ये भी आपका क्या है, वी है, ठीक है। इसके बाद में देखो, या तो डायरेक्ट कर दो या फिर इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल एस अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल टी, कॉन्स्टेंट पी है, और नीचे आ जाएगा डेल एस अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल टी, यहाँ पर कॉन्स्टेंट वी है, V से V कैंसिल और P से P कैंसिल, ऊपर आपका आ गया डेल S अपॉन डेल T और कांस्टेंट P, और नीचे आ गया डेल S अपॉन डेल T और कांस्टेंट कौन है, V है। फिर लोग अपन जानते हैं कि T का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, T का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो यह आपका बन जाएगा T, एक सेकेंड, टी डेल एस अपॉन डेल टी और कांस्टेंट कौन है, पी है, और नीचे वाले में किया टी डेल एस अपॉन डेल टी और कांस्टेंट कौन है, वी है। थोड़ी देर पहले अपने लिखा था टी डेल एस या टी डी एस, टी डी एस किसके बराबर होता है, अपन लोग जानते हैं कि डी क्यू इक्वल टू ये बराबर होता है टी डी एस के बराबर होता है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई, यह आ गया डेल क्यू अपॉन डेल टी, डेल क्यू अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी, और ये आ गया डेल क्यू अपॉन डेल टी, और यहाँ भी कॉन्स्टेंट कौन आ गया, वी आ गया, ठीक बात ना। फिर देखो अपन लोग ये भी जानते हैं कि डेल क्यू अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी है ये किसके बराबर होता है, या फिर ऐसे लिखेंगे विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से, विशिष्ट ऊष्माओं की ऊष्मा की परिभाषा से अपन लोग ये जानते हैं कि सी पी इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी और कांस्टेंट पी, और सी वी बराबर होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी और कांस्टेंट वी है, तो ये आपका क्या आ गया, आता है ये आ गया ई एस अपॉन ई टी, दैट इक्वल टू ये लिखा सी पी अपॉन सी वी और ये गामा। तो इस प्रकार से अपने दो एप्लीकेशन कंप्लीट होते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपके ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा। ठीक ठाक का मतलब ये है कि अगर पहले वाला वीडियो आपने ठीक ठाक देखा है या फिर ये चीज़ आपकी याद है तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। थैंक यू।